क्लास में हमने सीखा था संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, संज्ञा के प्रकारों को जानना है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के प्रकार हैं 5। कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी जो है हम पहला वाला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके बारे में हम जान लेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कितने प्रकार है, वो पांचों प्रकारों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है समुदायवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार। अभी इन प्रकारों को हम जान लेंगे एक एक करके, ठीक है। पहला वाला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम को सूचित करता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मेरा नाम अमन है और मेरे भाई का नाम है किरण और मेरे दादाजी का नाम है आकाश। उस तरीके से हम जो विशेष करके व्यक्ति के नाम को सूचित करता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अभी मैं यहाँ पे आपको समझ यानी कि नोट्स के लिए आपको यहाँ पे मैं डिक्टेट करूँगी व्यक्तिवाचक संख्या पूरा यानी कि पूरा वाक्य मैं लिखूँगी उदाहरण के साथ, आप लिख कर दीजिए, ठीक है। चलिए, किसी विशेष व्यक्ति के नाम सूचित करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अमन घर चल, राम गाना गाता है, दादी का नाम शांता है,
राजेश, किताब पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया व्यक्तियों के नाम, जहां भी है वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जरूर आएगा। देखिए अमन, अमन यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, राम यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, और दादी का नाम शांता, शांता ये भी बिलोंग करता है व्यक्ति को, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम शांता है। ठीक है, राजेश, राजेश किताब पढ़ता है, राजेश के यानी क्या है, ये किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि राजेश क्या है, ये भी एक व्यक्ति है। ठीक है, अभी हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी इसका अगला जो आता है, ये वो जो है अगला हम सीखेंगे समुदायवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं, देखो दूसरा वाला जो है समुदायवाचक संज्ञा, यानी क्या है, किसी विशेष एक समूह यानी कि ग्रुप, एक समूह को बोधित करता हो, जैसे कि प्राणियों की झुंड या कक्षा, कक्षा में बैठे हुए बच्चों का एक वर्ग हम कह सकते हैं, श्रेणी कह सकते हैं, और इसे हम उन गुणों को यानी कि उन जैसे शब्दों को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी किसी एक स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी या कृमि एक से एक किसी एक स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति प्राणी या कृमि संग्रहित या इकट्ठे होते हैं। से समूह वाचक समुदाय वाचक कहा जाता है। किसी एक स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी या कृमि आदि संग्रहित या इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे हुए होते हैं, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में हाथियों का झुंड जा रहा है, हाथियों का झुंड जा रहा है। दूसरा वाला
कक्षा में छात्र बैठे हैं। वहां मछली का झुंड है। यहाँ पे जो है वहाँ हाथियों का झुंड, यहाँ भी समूह है झुंड। यहाँ कक्षा जो है वो एक झुंड है, यहाँ जो मछली है ये भी वहाँ पे झुंड है, यानी कि ये भी यहाँ एक समूह है। समूह यानी कि ग्रुप, बहुत सारे लोगों का इकट्ठे रहना, यानी कि बहुत सारे लोग जहाँ एक ही जगह पर रहते हैं उसे हम, एक से अधिक ज़्यादा लोग रहते हैं उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम सीखेंगे भाववाचक और जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये तीनों। तब तक के लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर ही अभ्यास करना है। एक फिर से बार आप इसे एक दो बार पढ़ लीजिए, अगले क्लास में क्या करना है करके मैं अभी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।